RJD MLA Fateh Bahadur has stoked massive controversy as he has made an objectionable statement about Goddess Durga. Now, Bahadur said, and I quote, "Goddess Durga is imaginary and the goddess does not exist anywhere." He described himself as a descendant of Mahishasur and claims that Mahishasur was his ancestor. Now, he even added that Goddess Durga killing Mahishasur is a fabricated story and that if the deity existed, she could have saved India from the British Empire. Meanwhile, in a sharp reply to the RJD MLA, the BJP launched a scathing attack and said that it is a trend now to speak against Sanatan Dharma. एक काल्पनिक कहानी है, दुर्गा उस कहानी का एक पात्र है। अगर दुर्गा जी या हमारे देश में मनुवादियों के अनुसार 33 करोड़ देवी और देवता हैं, लेकिन जब भारत गुलाम हुआ, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत में आया और भारत को गुलाम बनाने का काम किया, उस समय भारतीयों का संख्या जो था 30 करोड़ था और देवी देवताओं का संख्या भारतवर्ष में 33 करोड़ था। तो क्या मैं उन मनुवादियों से पूछना चाहता हूं जिन मनुवादी ने ये लिखा कि महिषासुर के करोड़ों करोड़ सेना के साथ मां दुर्गा ने लड़ाई लड़ा और महिषासुर को संहार कर दिया, तो मुट्ठी भर ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत को गुलाम बनाया तो उस समय मां दुर्गा ने क्या कर रही थी? आलोक जी, लालू यादव की पार्टी के नेता हैं फतेह बहादुर सिंह, जो विधायक हैं, उनकी तरफ से बयान आया है दुर्गा जी को लेकर के, क्या कहेंगे आप उस पर? लालू जी अभी तक उनको लात मार के पार्टी से बाहर कैसे नहीं किए? या तो लालू जी खुद ढोंगी है, क्योंकि लालू जी की तो आस्था है, मैं जानता हूं, पिछले 30 साल से मैं जानता हूं लालू जी को। वो हर साल नवरात्रा का त्यौहार उनका पूरा परिवार बहुत श्रद्धा के साथ मनाता है, और देवी दुर्गा के बारे में ऐसे असभ्य कमेंट करने वाले जलील आदमी को अभी तक पार्टी से लात मार के बाहर क्यों नहीं निकाला? क्या लालू जी की आस्थाएं बदल रही हैं? क्या वो भी मां दुर्गा को फेथ समझते हैं? जवाब उनको देना चाहिए। लेकिन ये हिंदू धर्म का जो ये अपमान करने का ठेका लिया हुआ है इन लोगों ने, इंडिया अलायंस वालों ने, ये इंडियन नोटोरियस डकैत एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने, इनकी चालें अब कामयाब नहीं होने देंगे। इनको जवाब मिलेगा, बहुत कड़ारा जवाब मिलेगा। ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि हिंदू धर्म में लोगों का विश्वास कम करो। ये डर गए हैं पिछले 10 साल में, जिस तरह से हिंदू धर्म की चेतना गांव गांव प्रखंड प्रखंड हर पंचायत में हो रही है, इनको डर लग रहा है कि इनका अस्तित्व खराब हो जाएगा, इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये तमाम तरह की साजिशें, कभी हिंदू धर्म को गाली देंगे, कभी सनातन को खत्म करने की बात करेंगे, कभी दुर्गा माँ पे कहेंगे, कभी सावन में मटन खाने लगेंगे। लालू यादव खा रहे थे ना सावन में मटन बनाने के राहुल गांधी के साथ, ये सब क्या है? ये दिखाता है कि इनको इस धर्म में, इनकी इसकी पद्धति में भरोसा ही खत्म हो चुका है। सनातन देवी देवताओं पर ये जो हमला है, ये कुछ सेकुलर सियासी फैशन बन गया है, और इस सेकुलर सियासी फैशन का जो टशन है वो उसका कंपटीशन चल रहा है। अब इस तरह का जो कंपटीशन में हर दिन जो है कोई कहेगा कि सनातन पर हमला करेगा, कोई कहे, कोई जो है वो देवी देवताओं पे जो है वो सबूत और सवाल खड़े करेगा, ये मुझे लगता है कि ये लोग मानसिक रूप से इनका जो है वो किसी सनातनी संस्कार के साथ शुद्धिकरण होना चाहिए। Well, you just saw those BJP leaders taking a dig at the RJD MLA who has made some objectionable remarks on Goddess Durga. With all those